गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों आज मैं आपको मैथ्स में यूनिट 11 ग्रेड रीडिंग फॉर डिवीजन पार्ट 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको बहुत ही ध्यान से देखिए आप लोग। बच्चों डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग देना। इस तरह डिवीजन मीन्स मेकिंग इक्वल पार्ट्स। बहुत सारे थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स कुछ भी अपने पास एक साथ है उसको इक्वल पार्ट्स में करना, कई भाग में उसको बांटना, हम लोग उसे डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को आज मैं आपको डिवीजन ऑफ नंबर्स के द्वारा मैं आपको बताऊंगी कि आपको डिवीजन नंबर के थ्रू कैसे करना है। जैसे उससे पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूँ जिसके थ्रू आपको डिवीजन को समझने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए आप लोग अपने पापा से बोलते हो कि पापा हमको क्रायोन से आप कलर लेते आइएगा। आपके पापा ले आ रहे हैं, आप लोग दो भाई बहन हो और वो आपको 8 कलर दे रहे हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कलर दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप दोनों लोग आपस में इक्वली डिवाइड कर लो, शेयर कर लो। तो आप दोनों के बीच में ये 8 कलर्स कितने कितने आएंगे, एक बच्चे के पास कितने कितने कलर्स आएंगे कैसे पता चलेगा? जब आप इक्वली इसको डिवाइड करोगे तभी ना। तो जैसे एक मान लीजिए मैंने आपको एक दे दिया, एक आपकी दीदी को दे दिया, एक फिर आपको दे दिया, एक आपकी दीदी को दे दिया, इस तरह से एक मैं डिवाइड कर रही हूँ, एक आपको दे दिया, ऐसे कर करके। देखिए अब टू पार्ट्स में मैंने इसको क्रायोन्स को, एक क्रायोन्स को टू पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब कितने होते हैं, एक एक पार्ट्स में कितने क्रायोन्स आ गए? 8 क्रायोन्स थे, उसको मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो एक एक पार्ट्स में कितने क्रायोन्स आ गए? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 इक्वली आ गए ना, 4, 4। टू पार्ट्स में कितने क्रायोन्स आ गए? 4, 4 क्रायोन्स टू पार्ट्स में आ गए। तो इसी को हम क्या कहेंगे? डिवीजन बोलते हैं। अब डिवीजन जो है बच्चों, लाइक जैसे मल्टीप्लीकेशन हम लोग क्या कर रहे थे? रिपीटेड एडिशन के थ्रू कर रहे थे, उसी तरह से डिवीजन जो है क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? डिवीजन कहेंगे। बार बार अगर हम इक्वली नंबर को जो है इक्वली पार्ट में जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? उसे हम डिवीजन बोलेंगे। तो आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के थ्रू अब इसको मैं ब्लैक बोर्ड पे आपको समझा रही हूँ। जैसे बुक में आपके दिया है कि 10 roses हैव टू बी इक्वली डिवाइडेड इन 2 बसेस। सो हाउ मेनी टाइम्स कैन टू बी टेकन अवे फ्रॉम 10? तो इसको क्या करना है कि 10 roses हैं उनको 2 बसेस में जो है हमको इक्वली 2 से सब्ट्रैक्ट करके रखते जाना है। तो बोल रहा है कि 10 जो है कितने टाइम में 2 से सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसी को मैं करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ roses बनाए हुए हैं और एक 2 बसेस भी है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कितने roses हैं? 10 है। और कितने पार्ट में हमको डिवाइड हमको करते चलना है? किसे सब्ट्रैक्ट करना है? 2 से करना है। तो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 8 आएगा। कितने प्रकार से हम भी कर लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 में से हमको फिर 2 को निकालना है, तब तक हमको 10 को सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 0 ना आ सके। तो 8 आए, अभी भी हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2 से। 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 भी है। अब 6 को भी हम कर सकते हैं, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। फिर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। फिर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 8 भी प्लस में बना हुआ है। देखिए इसके लिए 8 प्लस बनेंगे, इसके लिए 6 प्लस, इसके लिए 4 प्लस और इसके लिए 2 प्लस और इसके लिए 0। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया 0 मीन्स नथिंग, कुछ नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो इस तरह से आपको समझ में आया 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको ये देखना है कि 10 जो है 2 से सब्ट्रैक्ट कितनी बार होता है। तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 बार हुआ है ना, 5 बार में 0 आ गया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो
डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 88 परसेंट में कितने परसेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से इक्वली डिवाइड हो गया। टू पार्ट में 10 क्लास को मैंने डिवाइड किया तो एक एक जो है पार्ट में कितना क्लास आया है, 5 5। तो हमारा आंसर क्या आया है, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5। इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है, देयर आर 6 बटन्स, पुट एन इक्वल नंबर ऑन ईच कोड। यहाँ पे 6 बटन दिए हुए हैं और 2 यहाँ पे कोड भी बने हुए हैं। अब ईच कोड में ये दोनों एक एक कोड में कितने बटन आएंगे, इनको हमको इक्वली क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कैसे हमको करना है, जैसे 6 डिवाइडेड बाई हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, तो इसको भी हम वैसे उसी मेथड से करेंगे। तो 6 माइनस 2, 6 को हम तब तक 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे जब तक कि 0 ना आ जाए। तो 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब हमको ये देखना है कि 6 जो है 2 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट हम किए हैं, तो 0 आएगा, वही हमारा आंसर होगा। 1 2 3, 3 टाइम में 0 आ गया है ना, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, 3। कितने बटन आएंगे एक एक कोड में, इस कोड में कितने बटन आएंगे, 3 3 बटन आएंगे। तो यहाँ भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 2, जो है 6 को जो हम 2 से डिवाइड किए हैं तो हमारा आंसर जो है 3 आया है। इसी तरह से आप लोग भी करने की कोशिश करिएगा, जहाँ आपको ना समझ में आए वहाँ आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित कुछ और एक्सरसाइज कराऊंगी, तब तक आप लोग उसका प्रैक्टिस करिएगा।